दोस्तों, अगर आप YouTube पर शॉर्ट एंड फैक्ट वीडियोस क्रिएट करते हो, कार्टून्स वाले जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, और बैकग्राउंड म्यूजिक कोई अच्छा सा ढूंढ रहे हो, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हे गाइस, मैं आगे फिर एक नंबर साथ, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में जो आप अगर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो यूट्यूब पर, जैसे कार्टून्स एंड फैक्ट वाली जो वीडियोस है उसमें आप इजिली इन सारे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इसे यूज कर सकते हो बिना किसी कॉपीराइट्स प्रॉब्लम के, बिना किसी झंझट के। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हो तो आपके जो वीडियोस हैं उसमें से 3 स्टार से 5 स्टार हो जाती हैं, क्योंकि आप जिस तरह के वीडियोस क्रिएट करते हो, जैसे कि इमोशनल या हिस्टोरिकल जो वीडियोस क्रिएट करते हो, और वहां पर उसी रिलेटेड जो आप म्यूजिक यूज करते हो, तो वहां पर जो व्यूअर्स होते हैं उनको आपकी वीडियो बहुत ज्यादातर पसंद आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ जो बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप कार्टून एंड एनिमेशन वीडियोस क्रिएट करते हो, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो, तो वहां पर आप इजीली यूज कर सकते हो, और 3 ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूं अगर आप हिस्ट्रिकल वीडियोस क्रिएट करते हो, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो, या आप सैड वीडियोस, इमोशनल वीडियोस क्रिएट करते हो, तो वहां पर इन सारे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे यूज कर सकते हो। और दोस्तों, मेरे बताए हुए बैकग्राउंड म्यूजिक को आप लॉन्ग या शॉर्ट वीडियोस में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और वहां पर सभी बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाने वाला हूं। और हाँ मेरे दोस्त, मेरे बताए हुए सभी बैकग्राउंड म्यूजिक को आप मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जाकर लिंक पर क्लिक करो, ज्वाइन करो या मैसेज करो। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर सबसे पहले हम कार्टून एंड एनिमेशन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको सुनाने वाला हूँ। अगर आप जो फनी टाइप के कार्टून शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आप इस बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकेंड बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। दोस्तों, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आप कार्टून्स या सैड वीडियोस क्रिएट करते हो तो उसमें यूज कर सकते हो। दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूँगा, आप मेरी वीडियोस को देखकर चले जाते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में जो कि आप मिस्टेरियस वीडियोस क्रिएट करते हो या फैक्ट वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो, लॉन्ग वीडियोस में भी यूज कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ नंबर बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में जो कि ज़्यादातर फैक्ट वीडियोस में यूज किए जाते हैं और ये बहुत ही ट्रेंडिंग म्यूजिक है और आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा। अब दोस्तों, हमारा लास्ट बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि एक इमोशनल और एक न्यू बैकग्राउंड म्यूजिक है। ये भी म्यूजिक मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि आप मुझको निराश नहीं करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाओगे।